दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर और डीसी ब्रेक दोनों में अंतर क्या है? जो जो क्वेश्चन पूछे हैं सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा और जितना सारा डाउट है सारा डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस बस का प्लेट कब आपका कट जाता है, रेजिस्टेंस बस का प्लेट किस कारण से आपका लाल होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर और डीसी ब्रेक इसका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट किस तरह से काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर और डीसी ब्रेक इसको सेटिंग किस तरह से करना है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो सबसे पहले आ जाता है जो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है और डीसी ब्रेक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा जो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है ये आपको चार्जिंग ट्रॉली और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएमएस में ड्यूटी करते हैं तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर देखने के लिए मिलेगा, जो आपका 5 टन का, 10 टन का, 30 टन का या 40 टन या आपका 50 टन, ये जितना सारा आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर और डीसी ब्रेक। डीसी ब्रेक तभी आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा कब, जब आपका 50 टन के ऊपर क्रेन होगा। जैसे 50 टन हुआ, 60 टन हुआ, 100 टन हुआ या 200 टन हुआ, इसमें देखिएगा डीसी ब्रेक जरूर रहता है अगर आपका स्टैंडर्ड कंपनी का क्रेन है। तब स्टैंडर्ड कंपनी के क्रेन में देखिएगा ज्यादातर आपको WMI का क्रेन में देखने के लिए मिलेगा डीसी ब्रेक, लेकिन चाहे कोई भी लोकल ब्रांड का क्रेन रहे इसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर देखने के लिए मिलेगा। किसमें मिलेगा ना, जो आपका MH रहता है, AH रहता है, LT रहता है और CT रहता है, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, ये सब में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो आपका 60 टन, 80 टन, 100 टन, 200 टन का क्रेन रहेगा इसमें देखिएगा जो आपका डीसी ब्रेक रहेगा मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो डीसी ब्रेक होता है इसके ऊपर और भी कुछ डाउट नहीं रखना है, ये आपको जानना जरूरी है कि हमारा जो डीसी ब्रेक है ये कितना वोल्ट का होता है और जो एसी ब्रेक है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर बोल रहे हैं ये कितना वोल्ट का होता है। तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है ये ज्यादातर देखिएगा आपका 415 वोल्ट का ही रहेगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन आपका VFD सिस्टम है, इसमें आपको दो टाइप का डीसी ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा? एक रहता है आपका 24 वोल्ट डीसी और दूसरा रहता है 110 वोल्ट डीसी। और जो आपका 100 टन, 60 टन, 80 टन का क्रेन है उसमें आपको ज्यादातर 110 वाला देखने के लिए ही मिलेगा। VFD सिस्टम में जो छोटा छोटा क्रेन रहता है 5 टन, 10 टन या 15 टन, इसमें आपका 24 वोल्ट का डीसी ब्रेक लगा हुआ रहता है। देखिएगा जो कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें जो आपका विड्रॉल, एंट्री और एग्जिट रहता है इसमें भी आपका 24 वोल्ट का डीसी ब्रेक लगा हुआ रहता है। दोनों का काम सेम रहता है। अगर आप CCM में काम किए हैं प्रैक्टिकल में तब आपको ब्रेक को सेटिंग करने में कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। चाहे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर हो या डीसी ब्रेक हो या आपका CCM में विड्रॉल एंट्री, विड्रॉल एग्जिट इसका ब्रेक हो, किस तरह से सेटिंग किया जाता है, कब कौन सा बोल्ट को लूज करना है, कौन सा बोल्ट को ढीला करना है और किस तरह से सेटिंग करना है, जो आपका सीनियर रहेगा उसके पास से आपको एक बार देखना है तभी आपका नॉलेज बनेगा। ऐसे डायरेक्ट जाके अगर आप कोई काम करने जाइएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आपका बनता है जब आप किसी के साथ में काम करिएगा, उससे पूछिएगा, बिना पूछे आपका नॉलेज नहीं बनेगा। हम खुद काम करेंगे और आप पीछे से खड़ा रहिएगा, हाथ नहीं लगाइएगा, आपका नॉलेज नहीं बनेगा। उस जगह में जब आप अपना हाथ से काम करिएगा तभी आपका नॉलेज बनेगा। मैं जो आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ खुद अपना हाथ से काम करूंगा तभी तो आप लोगों को बताऊंगा कि कब क्या दिक्कत होता है, कब कौन सा फॉल्ट आता है। एक बार जब तक काम नहीं कीजिएगा नॉलेज नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसके ऊपर देखिएगा इंटरव्यू में हम लोग एक क्वेश्चन भी पूछता है कि चाहे 50 टन का क्रेन हो
या 100 टन का क्रेन हो या आपका 200 टन का क्रेन हो, क्रेन में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है, चाहे मेन हस्ट हो या एक्जुलरी हस्ट हो, लेकिन फिर भी हमारा नहीं चल रहा है, तो आप क्या चेक करिएगा? तो इसमें दोस्तों एक छोटा सा ही आपको आंसर देना पड़ता है, ना आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताना पड़ता है, ना आपका रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ना रेजिस्टेंस के बारे में, ना मास्टर कंट्रोल के बारे में। आपको सीधा बताना है जब हमारा सारा चीज सही है, इसका मतलब है जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है या आपका डीसी ब्रेक है, कोई कारण से आपका ब्रेक लाइनर क्या होता है, जो आपका 300 का ड्राम रहता है या 400 का ड्राम रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कभी कभी आपका ब्रेक लाइनर चिपक जाता है, मतलब उसके साथ एकदम इतना जोर से चिपकेगा कि कितनों भी आप ताकत लगा लीजिए आपका मोटर घूमेगा नहीं। तो आप चाहे रिवर्स साइड चेक कर लीजिए, फॉरवर्ड साइड चेक कर लीजिए, कोई कारण से अगर आपका ब्रेक लाइनर चिपक गया है तो मोटर आपका घूमेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। इस टाइप का छोटा छोटा जब क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर बहुत बड़ा करके बताइएगा, मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीका से आप एक्सपीरियंस नहीं बनाए हैं, जब आप ब्रेक वाला बात बता दीजिएगा तो तुरंत पता चल जाता है, नहीं जब हम बोले हैं कि सारा चीज ठीक है तो मेरा बात के ऊपर विश्वास है, इसीलिए बोल रहा है कि ब्रेक लाइनर चिपक गया है, इसीलिए हमारा सारा चीज ठीक होने के बाद भी क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है जो रेजिस्टेंस बॉक्स का बाद में आप लोगों को शुरू में बताया था, जब आप ये 100 टन का क्रेन हो, 200 टन का या 60 टन का क्रेन में काम कीजिएगा, तो ये जो ब्रेक लाइनर चिपकने वाला फॉल्ट आप लोगों को बताया हूं, ज्यादातर आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, देखिएगा जो डीसी ब्रेक रहेगा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस टाइम आपका डीसी ब्रेक का लाइनर चिपक जाएगा उस टाइम अगर आपका मेन हस्ट का मोटर है तभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट देखिएगा, कुछ मिली सेकेंड या एक सेकेंड या दो सेकेंड के अंदर में पूरा लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद अगर आप ठीक से नहीं देखिएगा, जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ रहता है, थर्मल ओवरलोड रिले तो आपका ट्रिप होगा, लेकिन एक बार रिसेट कर दिया, दो बार रिसेट कर दिया, तीन बार रिसेट कर दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट आपका कट जाएगा। तो जिस टाइम फॉल्ट आएगा पहले आपको देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है यह हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आप अपना चेक कर ले सारा चीज ठीक है फिर भी मोटर नहीं घूम रहा है, तभी आपको देखना है चाहे आपका डीसी ब्रेक रहे या हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर रहे, इसका ब्रेक लाइनर जो आपका 300 या 400 का ड्राम लगा हुआ है इसके साथ चिपक गया है या नहीं चिपक गया है। कोई कारण से अगर आपका चिपक जाएगा तो आपका सारा चीज ठीक रहेगा लेकिन मोटर घूमेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जो हम लोगों का पावर सर्किट है और कंट्रोल सर्किट है ये काम किस तरह से करता है, तो देखिएगा जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसका ऊपर मैं ऑलरेडी मेन हॉस्ट, एक्जुलरी हॉस्ट, माइक्रो हॉस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल सबका कंट्रोल वायरिंग आप लोगों को बताया हूं, और जो पावर का वायरिंग है इसके बारे में भी बताया हूं, लेकिन अभी जो नया नया क्रेन है इसमें आपको यही सर्किट देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या होता था, जो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड है दोनों के लिए ब्रेक थायरिस्टर के लिए आपका दो को कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता था, अभी का जो जो नया क्रेन आ रहा है उसमें आपको एक ही कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा, के जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है इसको चाहे आप रिवर्स साइड घुमाइए या फॉरवर्ड साइड, कोई एक डायरेक्शन में हम लोगों को चालू करना पड़ता है, एक डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है इसके अंदर में ऑयल रहता है और एम्पुलर रहता है, जब आपका एम्पुलर घूमेगा तो तेल में पेशाब बनेगा, और हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर में जो आपका टायरोड लगा हुआ रहता है ये उठेगा, इस तरह से काम करता है। जब मैं हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर प्रॉपर किस तरह से काम करता है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपके अंदर में और जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो आपका डीसी ब्रेक रहता है इसमें आपका कोई भी ऑयल वगैरह नहीं रहता है, इसमें सिर्फ एक क्या होता है, एक डीसी के लिए पैनल रहता है, ठीक है, और इसके बाद क्या रहता है, एक रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। पहले क्या करता है, जो आपका 3 फेज सप्लाई है 415 वोल्ट इसको रेक्टिफायर में देता है, रेक्टिफायर में देने के बाद यहां से फिर आउट करता है कौन सा, डीसी वोल्टेज।
डीसी वोल्टेज आउट करेगा, किसी किसी में आपको 415 देखने के लिए मिलेगा, किसी में आपको 230 वोल्ट एसी देखने के लिए मिलेगा। मतलब जिस तरह से जरूरत है उस हिसाब से आपको पैनल कंपनी बना के ही दे देता है। सिर्फ आपको एक बार खोल के देखना है किस टाइप से बनाया गया है, थ्री फेज से बना हुआ है या 230 वोल्ट से बना हुआ है। यहाँ से डीसी हमारा 110 वोल्ट आउट होता है और आउट होने के बाद सीधा किस में जाता है, इसके बीच में एक जैसे ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, सेम टू सेम एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहेगा। जब जब आपका रिवर्स साइड और फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, उसके साथ आपका डीसी के लिए जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो भी ऑपरेट होगा। मतलब चाहे आप रिवर्स साइड चला लीजिए या फॉरवर्ड साइड चला लीजिए, कोई भी साइड चलेगा तो आपका 110 वोल्ट डीसी ब्रेक तक पहुंचेगा। डीसी ब्रेक में हमारा क्या रहता है, एक कॉइल लगा हुआ रहता है, कॉइल में सप्लाई जाएगा तो आपका डीसी ब्रेक ओपन होगा और काम करेगा। तो ये जो मैं आप लोगों को छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, एकदम पर्टिकुलर डीसी ब्रेक या ब्रेक थायरिस्टर किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर एक 15 मिनट का वीडियो बना देंगे तो और भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। इसे बीच बीच में प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल देता हूं, किस लिए कि किस तरह होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से नॉलेज बनेगा। आगे जो वीडियो आने वाला है तो आपका अंदर में जो डाउट रहता है वो डाउट भी क्लियर हो जाता है, एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं तो। और देखिएगा बहुत सा फ्रेंड हमको कमेंट भी करता है कि छोटा छोटा करके प्रैक्टिकल वीडियो डाल दीजिएगा तो हम लोग के अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी दोस्तों 9 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो आपका डीसी ब्रेक रहता है या हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर रहता है, इसको जब आप सेटिंग करते हैं तो इसमें आपका कौन कौन सा टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर देखिएगा जो आपका चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर हो या आपका 110 वोल्ट का डीसी ब्रेक हो, क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, जो आपका केबिल ट्रॉली है, केबिल ट्रॉली में केबिल जो कट जाता है इसी का फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो आपका 110 वोल्ट जाता है डीसी, तो अगर कोई कारण से आपका केबिल कट जाएगा तो डीसी ठीक से पहुंचेगा नहीं, जो आपका डीसी ब्रेक है उसमें। और उसके बाद क्या होगा, अगर ठीक से ध्यान नहीं दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट भी कट जाता है। ज्यादातर ये फॉल्ट आपको केबिल ट्रॉली में ही देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा रहेगा, जल्दी फॉल्ट आता नहीं है, लेकिन जो आपका एसी वाला रहता है, एसी वाला में क्या होता है, कभी कभी आपका थ्री फेज से चल रहा है, मतलब ये 415 वोल्ट से चल रहा है, कोई कारण से एक केबिल कट गया, दो फेज आ रहा है, फिर भी देखिएगा कभी कभी काम करता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में जब आप नीचे चला के देख लीजिएगा तब भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि दो फेज में हमारा ब्रेक थायरिस्टर जो है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो फेज पे भी कभी कभी काम करता है, लेकिन अगर ब्रेक थायरिस्टर का फॉल्ट है या कोई कारण से ब्रेक लाइनर चिपक गया है, उस टाइम आपको चेक करना है कि हमारा तीनों फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, RYB, और इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। और एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है, इसमें जो हम लोग प्रेशर देते हैं ये कौन कौन सा टाइप का आता है। तो ज्यादातर देखिएगा जो LT में रहता है या मेन होस्ट में रहता है या एक्सिलरी होस्ट में रहता है, ये कहां से ज्यादातर आपका कोई भी एक टिक ओवरहेड क्रेन रहे 10 टन के बाद से, 10 टन से लेकर 30 टन, 40 टन, 50 टन, 100 टन, उस हिसाब से हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर भी आपका चेंज होता रहता है। पहले आ जाएगा 18 kg का, फिर आएगा 34 kg का, फिर आएगा 64 kg का, इस टाइप से देखिएगा हमेशा चेंज रहता है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको किस तरह से बनेगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन रहे, जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है उसके पास आपको एक बार जाना है, उसका जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें देखिएगा वो नेम प्लेट दिया हुआ है, उसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ है कितना केजी का ब्रेक थायरिस्टर है। इसी को देख के ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बनाना है, और इसी को देख के हम लोग प्रैक्टिकल में काम भी करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कितना केजी का हमारा ब्रेक थायरिस्टर है। और एक हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब आप चाहे डीसी ब्रेक हो या आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर हो, चाहे किसी पे भी आप काम कीजिए, जब भी काम करिएगा तो किस तरह से सेटिंग होता है, किस तरह से सेटिंग किया जाता है या डीसी ब्रेक के
में जो आपका क्वाइल रहता है ठीक जहां पे आपका डीसी ब्रेक का पूरा असेंबली रहेगा, उसके पास भी कोई कोई क्रेन में देखिएगा जो आपका उसके लिए क्वाइल लगा हुआ रहता है डीसी के लिए, उसके अंदर में रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है के जो आपका पैनल है पैनल में आपको रेक्टिफायर देखने के लिए मिला नहीं, तो आखिर रेक्टिफायर है कहां? तो जब आप जाके खोल के देखिएगा डीसी ब्रेक के पास क्वाइल, तो उसी जगह में आपको रेक्टिफायर देखने के लिए मिलेगा। और ये आपको प्रैक्टिकल में खुद अपने हाथ से एक बार खोल के देखना पड़ेगा अगर पैनल में रेक्टिफायर नहीं है तो। इस वीडियो को बनाने के बाद तुरंत कमेंट आ जाता है कि रेक्टिफायर हमको देखने के लिए मिला ही नहीं है, तो रेक्टिफायर हमारा है कहां, डीसी किस तरह से बन रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं देखिएगा कोई भी वीडियो बनाता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बता देता हूँ। और 13 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो हम लोग का डीसी ब्रेक रहता है इसमें हम लोग कोई भी ऑयल वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है इसमें हम लोग ज्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में बहुत सा टाइप का काम रहता है, जितना जल्दी आपका गर्म होगा उतना जल्दी आपका ठंडा होगा। तो दोस्तों इस टाइप का और भी बहुत सारा डाउट आपके अंदर में रहेगा, तो जब हम पर्टिकुलर हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर किस तरह से काम करता है पूरा डिटेल्स में आपको समझाएंगे, और डीसी ब्रेक के ऊपर भी और एक एक वीडियो बनाएंगे तो और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।